बीजापुर निवासी रामदीन धाकड़ पुत्र जन्मवीर धाकड़ ने बीजापुर थाने में आवेदन दिया है कि डॉक्टर अशोक धाकड़ ने उनके विरुद्ध अवैधानिक रूप से झूठा असत्य तथ्यहीन प्रकरण दर्ज कराया है जिसे निरस्त किया जाए। दरअसल रामदीन धाकड़ का कहना है कि अशोक धाकड़ द्वारा जिस कॉलोनी में वे रहते हैं वहाँ पर रास्ते में अतिक्रमण कर लिया गया है। वहीं जब रामदीन धाकड़ अपना मकान बनवा रहे हैं तो उन्हें मकान बनाने में भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब उल्टा अशोक धाकड़ द्वारा उन पर प्रकरण दर्ज करा दिया गया है जिससे वे काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुँचकर रामदीन धाकड़ से बात की, साथ ही पड़ोसियों से भी बात की और जाना कि पूरा माजरा क्या है। देखिए खबर और प्रक लिए बीजापुर से पंकज श्रीवास की खबर। मेरे खिलाफ थाने में आवेदन जो मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा है डॉक्टर अशोक धाकड़ उनके द्वारा दिया गया है, जिसकी जानकारी मुझे थाने में पदस्थ जो मैडम है उनके द्वारा फ़ोन किया गया तब मुझे इसकी जानकारी मिली। और आवेदन में उनके द्वारा ये जो जो आवेदन दिया गया है उसमें ये जिक्र किया गया है कि इनके द्वारा जेसीबी चला करके और मकान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल मिथ्या है। उनके द्वारा मकान के आगे जो रेस्टेड जगह है उनकी वो 20x80 है, 20x80 उसके आगे निर्मित भाग से आगे 10 फुट आगे तक मकान में ऊपर जाने के लिए 10 फुट आगे तक रैंप बनाए गए थे। उन रैंपों से सभी कॉलोनी वासियों को परेशानी थी। इसकी शिकायत सभी कॉलोनी वासियों ने जो कॉलोनी जिन्होंने काटी थी श्री मुंशी खान एवं श्री मुकेश जाटव उनसे की गई और उनसे शिकायत की गई तो उन्होंने ये जो है सबको समझाइश दी कि आप निश्चिंत रहिए, हम जो है सबकी सहमति से मशीन बुला करके और सारे रास्ते साफ करवा देंगे। यही हुआ, मैंने भी उनसे ये कहा तो यही हुआ। उन्होंने किसी दिन कोई मशीन जा रही होगी, शायद 1 तारीख की घटना है, तो मशीन को बुला करके सभी कॉलोनी वासियों से पंचनामा लेकर के और अतिक्रमण वाले जो रास्ते थे उनको साफ कराया है। नाम अच्छी कान है, पूरी कॉलोनी वालों को समस्या अशोक धाकड़ ने बना दिया, रैंप बना दिया है और खड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है और सभी ने पंचनामा थाने में दिया है। रामदीन मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है और पूरी कॉलोनी वाले के लिए बहुत परेशानी हो रही है।